आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, कोरोना अभी गया नहीं। हमें लापरवाह नहीं होना है। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 16,156 नए केस सामने आ गए, जबकि 733 लोगों की मौत हुई। 17,095 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव केस देश में 1,60,989 हो गए। कोरोना के केसेस पिछले कई दिनों से लगातार घट रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने का ट्रेंड सामने आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 16,156 नए केस सामने आए। त्योहारों का मौसम है, लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, अब कहीं लॉकडाउन नहीं है, स्कूल खुल रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए बाहर आ रहे हैं, ऑफिसेज में जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। 16,156 केसेस पिछले 24 घंटे में, 17,095 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। पिछले 24 घंटे में 733 लोगों की मौत। तो देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के केस बढ़ने से टेंशन बढ़ रही। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। खतरे को देखते हुए सरकार की ओर से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बंगाल सरकार को केंद्र सरकार ने भी पत्र लिखा है। अगले महीने से वैक्सीनेशन का हर घर दस्तक महाअभियान चलने वाला है। कोरोना दबे पांव एक बार फिर दस्तक दे रहा है, लेकिन लापरवाह लोगों पर इसका असर होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली हो या अहमदाबाद, बाजारों में लोगों की भारी भीड़ निकल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। और इस सब के बीच अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में हुए सीरो सर्वे में 90% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। देखिए कोरोना पर यह पूरी रिपोर्ट। फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। देश के कई हिस्सों में बढ़े मामले। डेल्टा वेरिएंट के नए स्वरूप ने बढ़ाई परेशानी। थोड़ी लापरवाही पड़ न जाए भारी। दुनिया भर में भारी तबाही और बर्बादी मचाने वाले कोरोना वायरस की फिर से कई देशों में वापसी हो चुकी है। कई देश फिर कोरोना की मार से बेहाल हो रहे हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। चीन, रूस और ब्रिटेन में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस महामारी के चलते कई देशों में फिर से लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी है। दूसरी लहर में कोरोना की त्रासदी झेल चुके भारत पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में एक हफ्ते में कोरोना के मामले बढ़े हैं। देश में 12 जगह ऐसी हैं जहां एक हफ्ते में कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है। बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद तेजी से केस बढ़े हैं। कोलकाता, हावड़ा, हुगली में ज्यादातर नए मामले आ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखा है और कोरोना के मामलों पर चिंता जताई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और वैक्सीनेशन बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर मंथन किया। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार ने एक और कदम उठाया है। अगले महीने हर घर दस्तक अभियान शुरू होगा। अब घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बीच दिल्ली में कोरोना को लेकर अच्छी खबर भी सामने आई है। दिल्ली में सीरो सर्वे में 90% से ज्यादा लोगों में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई। सीरो सर्वे 24 सितंबर से शुरू हुआ था। सर्वे के मुताबिक पुरुषों की तुलना में सीरो पॉजिटिव महिलाओं की संख्या ज्यादा है। कुछ कुछ स्टेट्स में जो देखने को मिलता है कि ये नंबर, जो आंकड़ा था ये एक्टिव केसेस का, वो कम होते गया और कमी रह गया। तो इसी हिसाब से हम सोच लेते हैं कि इंडिया में
ये जो इन्फेक्शन है SARS-CoV-2 ये एंडेमिक स्टेट पे पहुंच गया, ये गलत होगा, क्योंकि सारे स्टेट्स अलग अलग स्थिति में हैं। कोरोना का खतरा बरकरार है, लेकिन वायरस को लेकर घोर लापरवाही से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर लोग बेखौफ घूम रहे हैं। दिल्ली में दिवाली से पहले बाजारों में भारी भीड़ है, लेकिन इस दौरान ना तो किसी को डिस्टेंसिंग की परवाह है और ना ही चेहरे पर मास्क लगाने की जरूरत। अहमदाबाद के हालात भी कोई जुदा नहीं है। दिवाली की खरीदारी में मशगूल लोग कोरोना से बिल्कुल बेपरवाह हैं और लोगों की भीड़ से बाजार पटे पड़े हैं। अब जरूरत पूरे देश को एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की है, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। दिल्ली से पूजा मक्कड़, भावना किशोर के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे दो सहयोगी पूजा मक्कड़ और ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा, क्या वजह है जब हम देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने का एक ट्रेंड सामने आ रहा है? पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए केस। बिल्कुल, देखिए विशाल, जो डेटा है पिछले कई दिनों से जो आ रहा है वो यही बता रहा है कि मामले घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। 14,000 पर पहुंचने के बाद फिर 15, 16, 17 इस तरह से मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं। और अगर 36 जगहों का डेटा देखें जो हमेशा स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना रिलीज करता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी है, तो उनमें 12 जगह यानी कि एक तिहाई जगह ऐसी है जहां इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, यानी कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वजह की जहां तक आपने बात की, वजह बहुत साफ है, जिसको लेकर बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय भी आगाह कर रहा है और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अगर आपने फेस्टिवल्स में भीड़ जुटाई और अगर आपने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, तो याद रखिए कि कोरोना अभी गया नहीं है, ये फिर लौट सकता है। हमारे लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कुछ लोगों को एक डोज लग चुकी है, कुछ लोगों को तो दो डोज लग चुकी है, लेकिन फिर भी अभी 30% आबादी ऐसी है विशाल भारत में जिसको अभी तक एक भी डोज नहीं लगी है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर लोगों ने अभी सावधानी नहीं बरती और इन आंकड़ों से सबक नहीं लिया, तो जो हालात हम दुनिया भर में देख रहे हैं, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, जहां कई कई जगहों पर लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ चुकी है, वो हालात भारत में भी हो सकते हैं। एक और आंकड़ा जो बहुत चिंता पैदा कर रहा है, पिछले 24 घंटे में 733 लोगों की मौत, क्या ये राज्यों की तरफ से कुछ पिछले आंकड़ों को एडजस्ट करने की वजह से बढ़ा हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए केरल और कुछ एक राज्य ऐसे हैं, कर्नाटक, जहां पर कुछ लोगों ने अपील की कि जो डेथ थी उनको कोरोना में काउंट नहीं किया गया था, तो वो मामले अपील में गए। अपील के बाद ऐसा निकल के आया कि मामले जो है वो कोरोना के थे और उनको कोरोना वायरस डेथ के तौर पर रिपोर्ट किया गया। तो जैसे केरल की बात करें तो 200 से ज्यादा मौतें ऐसी हैं, 250 से ज्यादा मौतें ऐसी हैं जिनको बैकलॉग को ऐड किया गया है, ऐसे ही कुछ और राज्यों ने किया है। तो जो ये हम आंकड़ा देख रहे हैं 700 से ज्यादा मौत का, ये तो क्यूमुलेटिव आंकड़ा है, लेकिन अगर हम सिर्फ 24 घंटे की भी बात करें तो अब तक कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में हालात ये होने चाहिए थे कि मौत का आंकड़ा कम से कम शून्य हो जाता, केसेस आते रहते, पर वो स्थिति अभी नहीं आई है और इसीलिए लोगों को डरने की जरूरत है। डरने की एक बड़ी बात यह भी है कि अगर उत्तर भारत की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें या आगरा की बात करें, तो ज्यादातर अस्पतालों में बेड्स इस वक्त नहीं है और उसकी वजह कोरोना नहीं है, लेकिन उसकी वजह डेंगू है, उसकी वजह मलेरिया है, उसकी वजह टाइफाइड है। तो ऐसे लोग जिन्हें कोरोना होगा या वो उसकी हालत में गंभीर स्थिति में जाएंगे, उनको फिर से बेड्स के लिए मारामारी झेलनी पड़ सकती है, इसीलिए सावधान रहना ज्यादा जरूरी है। ब्रह्म प्रकाश, अब वापस लॉकडाउन में जाना कोई विकल्प नहीं है। राज्य सरकारों के सामने, प्रशासन के सामने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए क्या विकल्प है? एक बार फिर से कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सितंबर महीने में सभी राज्यों को लिखा था स्वास्थ्य सचिव की तरफ से और उसने विस्तृत गाइडलाइन दी गई थी और निर्देश बताए गए थे कि कैसे आप नवदुर्गा के दौरान और आने वाले फेस्टिवल के दौरान अपने अपने राज्यों में इसका पालन करवाएं, इन निर्देशों का पालन कराएं, क्योंकि केंद्र ने पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि त्योहारों के दौरान कोरोना के मामलों में जंप आ सकता है, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के और तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल के नॉर्म्स होते हैं अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता है तो मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव की तरफ से चिट्ठी भेजी गई थी और एक बार देखिए फिर से अभी पिछले सप्ताह ही मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर उन्हीं निर्देशों की याद दिलाने में दिक्कत आ रही है। मैं आपके पास आता हूं। पूजा, मैं आपसे एक बार फिर समझना चाहता हूं, हमने पिछले कुछ समय में देखा था जब केसेस बढ़ रहे थे कि एक या दो राज्य ऐसे थे जिनमें सबसे ज्यादा केसेस थे, अब जब 24 घंटे में 16,000 केसेस हैं, क्या स्थिति फिर वही है? क्या एक या दो राज्य ही हैं जो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं?
बिल्कुल विशाल, दुख की बात यह है कि अब ये एक या दो राज्य नहीं है, राज्यों की संख्या भी बढ़ रही है। केरल, केरल के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, और अब तो हिमाचल प्रदेश से भी बढ़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर अगर हम उत्तर भारत तक की बात करें तो बहुत से राज्य इस वक्त कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देख रहे हैं। और ये तब है जब अब टेस्टिंग पहले के मुकाबले कम हो रही है। पहले जहां औसतन 17 से 19 लाख टेस्ट होते थे, अब तकरीबन 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख टेस्ट हो रहे हैं। तो उतने टेस्ट में भी अगर इतने मामले सामने आ रहे हैं तो ये बता रहा है कि वैक्सीनेशन का नतीजा है कि मामले गंभीर नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो मामले 14,000 15,000 पर थे, उनको घटते हुए ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए था। ये 10,000 9,000 पे जाना चाहिए था, ये वापस 16,000 17,000 पे जा रहा है। और एक कयास ये भी लगाया जा रहा था विशाल कि क्या ये एंडेमिक तो नहीं है, यानी कोरोना बस जाने वाला है, इसलिए जो बचे कुचे लोग हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। इसे लेकर कल जब हमने आईसीएमआर से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी इसे एंडेमिक मत समझिए, अभी कोरोना ना जा रहा है ना जाने के संकेत दे रहा है, ये वापसी के संकेत दे रहा है। और इस वापसी को तभी रोका जा सकता है जब लोग जिन जिन शहरों में, जिन जिन जिलों में और जिन जिन मोहल्लों में इस वक्त कोरोना के मामले ज्यादा दिख रहे हैं, उन जगहों पर लोग सावधानी बरते हैं, सतर्कता बरते हैं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग लगाएं। मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं दिलीप पाटिल, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दिलीप पाटिल, ये कोरोना से संक्रमित हो गए और उन्होंने खुद ट्वीट करके अपने संक्रमित होने की जानकारी भी दी है। अब पूजा यही सब बातें होती हैं जो लोगों को डराती हैं। और देखिए उनका ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पूजा आपने जो कहा कि एंडेमिक मत समझिए, ये मत समझिए कि कोरोना चला गया है, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दिलीप वालसे पाटिल खुद ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि वो कोरोना से संक्रमित है। बिल्कुल, देखिए ये जो जानकारी है इसमें एक और अहम संदेश है। बहुत मुमकिन है कि दिलीप वालसे पाटिल को दोनों डोज लग चुकी होंगी, और अब ऐसे लोगों के मामले सामने आ रहे हैं विशाल जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं और उनको री इन्फेक्शन हो रहा है कोरोना का। हम रोजाना बहुत से ऐसे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स से मिल रहे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन की दोनों डोज के बाद भी कोरोना हो रहा है। तो जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि अब कोरोना चला गया, अब तो हमें दोनों डोज लग गई, अब तो बहुत वक्त हो गया, कोरोना को जितना करना था नुकसान कर चुका है, ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं भारत को महंगा पड़ सकता है। और इसीलिए लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय उन राज्यों को चिट्ठी लिखता है वक्त वक्त पर जिन राज्यों में कोरोना के केस बढ़ते हैं, जैसे हाल ही में पश्चिम बंगाल को चिट्ठी लिखी गई है। तो उसको समझना चाहिए, केंद्र सरकार की ओर से तो बार बार सतर्क किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकारें और प्रशासन क्या कदम उठा रहे हैं? ब्रह्म प्रकाश जरा ये बताइए। देखिए राज्य सरकारों को कहा गया है कि इस त्योहारों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के नॉर्म्स हैं उनको पालन कराएं, लेकिन आप देखिए अधिकतर राज्य में देखा गया है कि इनका पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए और साउथ केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, मतलब अभी भी वहां पर कोरोना के जो मामले हैं जो कम होने चाहिए थे, कितने महीने हो गए सेकेंड वेव के बाद लगातार एक घटने का ट्रेंड था, लेकिन फिर बढ़ने लग गया। इसके बाद से लगातार फिर से मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। तो जिस तरह से नॉर्म्स का पालन कराया जाना चाहिए था वो हो रहा है। आप दिल्ली के कई इलाकों में देख लीजिए, इस दौरान पहाड़गंज और जो दूसरे इलाके हैं वहां पर ज्यादा भीड़ होती है, इसमें होता है और ना अधिकतर लोग जो है कि बहुत ज्यादा लोग हैं। बिल्कुल, सतर्क रहने की जरूरत है, लोगों को एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, बाहर निकलते वक्त मास्क लगाना बहुत जरूरी है, अपने हाथ साफ कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।